इंडिया में क्रिकेट लिटरेसी बहुत है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि दे कैन अंडरस्टैंड कि ये कितनी बड़ा एक होता है. फिर नेशनलिज्म, क्योंकि अभी आप देखेंगे हम कंफ्यूज करने लगे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल सर्किट में प्लेयर्स भी कंफ्यूज करने लगे हैं कि अगर आप 10 टीमों से खेलेंगे लीग तो आपकी वो वैल्यू नहीं रहती है, कि आपका वो एक कनेक्ट नहीं रहता. समझते हैं कि लोगों का समंदर था जहाँ तक देख रहे थे, लेकिन ये जो कल मैंने देखा है ना, ये मैंने नहीं देखा आज तक. ये वाकई बहुत ही वालहाना इस्तकबाल हुआ है. हालांकि भारतीय टीम तो अपने शेड्यूल से 3 दिन बाद पहुंची है, उनको तो ट्यूसडे को पहुंचना था, वो थर्सडे को पहुंचे, लेकिन जो इस्तकबाल हुआ है, मेरे ख्याल भारतीय टीम भी इतना शानदार, इतना राउजिंग वेलकम नहीं तस्वीर कर रही थी. आप तो प्रोफेशनल लोग हैं ना, क्या प्रोफेशनल हो गए, परफॉर्म किया, जीत गए. इंडिया में नेशनलिज्म जो है इंडियन टीम में भी आपको नजर आएगा, उनकी जो थीमेटिक भी हैं, उनकी जो मीडिया कवरेज भी होती है, ये सारे आपको रैपर ऑन इंडियन फ्लैग में नजर आएंगे. और यू नो ये ज्यादा है, सो दैट वाज प्राइमरली द रीजन. सो इट वाज नॉट सरप्राइजिंग, इट वाज ह्यूज. जितना अच्छे तरीके से नर्व्स को काम कंपोज इंडियंस रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, इवन दो लास्ट मैच में भी जो हमने देखा है, दैट वाज अमेजिंग. मुझे खुद बताएं आप किस तरह इंडिया को गंदी टीम कह सकते हैं? तो लगता है यही है कि बहुत टैलेंट इंडिया में आ रहा है, और अब देखें आप जिम्बाब्वे में जो उन्होंने टीम भेजी है वो पूरी नहीं है. वो 15 बिल्कुल अलग है, जिस 15 से अलग है, 2-3 प्लेयर इनके दो गए. जो डोमिनेट करती हुई एक टीम आ रही है, अपने पहले मैच से लेके एंड वाले मैच तक वो अनबीटन ही चली आ रही है. वो हर प्लेयर उनका जिस भी अपना रोल प्ले कर, हाँ जी, अपना वो रोल उनको पता है, वो सारे ही रोल प्ले कर रहे हैं. जिस दिन रोहित नहीं चलता कोई और चल पाता है, कोई और नहीं चलता रोहित चलता है, तो उनका हर प्लेयर हर स्पॉट के लिए रेडी है. तो आप किस तरह उनको कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड कप नहीं जीते? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जब इनकी मीटिंग हुई है ये कल परसों जब भी, तो विराट कोहली ने कहा कि एरोगेंस की कोई जगह नहीं है, और मैंने रियलाइज कर लिया था कि आई हैव टू रिस्पेक्ट क्रिकेट इन द सिचुएशन. वाह, डॉक्टर साहब वाली बात है, देखें बहुत पहले के रिस्पेक्ट तक है, उसने री एम्फसाइज कर दिया. तो उसके बाद आप देखें तो 2011 का वर्ल्ड कप जीता, टेस्ट नंबर 1 हो गए, इनको मेज मिल गई आईसीसी की, 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एंड देन दैट वाज इट. 2013 से लेके 2024 तक दे कुड नॉट विन एनी मेजर इवेंट, आईसीसी इवेंट. ओके, आईसीसी ट्रॉफी आई नहीं. हालत इनकी ये थी कि अगर आप सिर्फ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखें आईसीसी में एज कैप्टन, तो 20 में से उसने 16 मैच जीते हुए, एक नो रिजल्ट है. और आखिर दो टूर्नामेंट देखें तो एक हारा है जो कि फाइनल हारा था वर्ल्ड कप का, और एक जो है वो हारा है, एक नो रिजल्ट हुआ है जो अभी रेन ऑफ हो गया था. 18-20 में से जीते हुए लास्ट 2 आईसीसी टूर्नामेंट में, बट सम ऑफ द अदर जब भी वो आते थे इसमें नॉकआउट्स में, तो वहाँ पे वो ट्रिप कर जाते थे. तो वो एस्पिरेशंस प्लेयर्स की भी बनती गई, और वो एस्पिरेशंस जो हैं वो इनकी भी बनती गई, क्राउड की भी. तो दैट वॉज द रीज़न कि रोहित शर्मा, अच्छा इनके पीछे कोई ना कोई किसी की स्टोरी है. रोहित शर्मा 2011 वर्ल्ड कप में ड्रॉप कर दिया गया था, तो वो उनको इधर लगी थी, और वो ड्रॉप ये नहीं था कि कोई ज्यादती हो गई थी. आप गौतम गंभीर को निकालते, आप वृंदा सहवाग को निकालते, आप सचिन को निकालते, आप विराट कोहली को निकालते, सुरेश रैना को निकालते, युवराज सिंह को निकालते, एमएस धोनी कहाँ से लेके आता. सो रोहित तो ये जगह नहीं बन रही थी, जगह नहीं बन रही, तो ये उसके जहन में था कि आईसीसी ट्रॉफी मैंने इसलिए का कप्तान, मतलब आई शुड विन इट. विराट कोहली आइकॉन ऑफ इंडियन क्रिकेट, आप ये कह सकते हैं कि वो मेंटल इन्होंने लिया सचिन तेंदुलकर से, एंड ही बिकेम एंड ही ग्रू टू बिग. हीज लोग समझते हैं ही वाज नॉट अ गुड कैप्टन, ही इज द इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट का बेस्ट कैप्टन है इन टर्म्स ऑफ जितने वो मैचेस जीता. अब उनको जो भी हुआ उनके साथ के, रवि शास्त्री वाला मसला था, अनिल कुंबले वाला मसला था, सौरभ आ गया था बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, वो कप्तानी उनके हाथ से चली गई. अब उनके लिए भी एक इंसेंटिव था. फिर उनको टैग कर दिया गया कि जी तुम T20 के प्लेयर नहीं हो, तुम्हारी जो T20 क्रिकेट थी, हालांकि एवरेज उनकी 48-50 थी. हाँ नहीं, अब ये रेलेवेंट हो गई, अब हमें चाहिए सूर्य कुमार की तरह या रोहित की तरह लंबे छिके मारने वाले अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल. सो उसमें उनके लिए एक चैलेंज था. तो ये इस तरह अब आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ा, अच्छा फिर तो ये इनकी एवोल्यूशन को अगर आप देखें तो फ्रॉम सच आप कहेंगे कि हम्बल बिगिनिंग्स एंड देन टू बिकम अ फॉर्मिडेबल फोर्स इन द वर्ल्ड एंड टू बी पार्ट ऑफ द डेवलप्ड जो है क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर, डेवलप्ड टीम, डेवलप्ड बोर्ड, रिचेस्ट बोर्ड, ठीक है, एंड उसके बाद डीपेस्ट मार्केट. तो दीज वर ऑल द रीजंस. अच्छा फिर एक और चीज़ है जो कि शायद हमारे यहाँ को लोगों को बुरा लग जाए, इंडिया में एक क्रिकेट पैशनेट होता है और एक क्रिकेट लिटरेट होता है टोटल, जो नॉर्मली हमने देखा क्रिकेट लिटरेट अब कम रह गए हैं जब से T20 वगैरह आया. दिस इज नॉट अ गेम ऑफ कॉनोसेयर्स, यहाँ वो ये थे गेम फॉर पैशनेट पीपल, आए देखा 20 ओवर वो गए. इंडिया में क्रिकेट लिटरेसी बहुत है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि दे कैन अंडरस्टैंड कि ये कितनी बड़ा एक होता है. फिर
नेशनलिज्म, क्योंकि अभी आप देखेंगे हम कंफ्यूज करने लगे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल सर्किट में प्लेयर्स भी कंफ्यूज करने लगे कि अगर आप 10 टीमों से खेलेंगे लीग तो आपकी वो वैल्यू नहीं रहती कि आपका वो एक कनेक्ट नहीं रहता, आप तो प्रोफेशनल लोग हैं ना, क्या प्रोफेशनल हो गए, परफॉर्म किया, जीत गए। इंडिया में नेशनलिज्म जो है इंडियन टीम में भी आपको नज़र आएगा, उनकी जो थीमेटिक भी हैं, उनकी जो मीडिया कवरेज भी होती है, ये सारे आपको रैप अराउंड इंडियन फ्लैग में नजर आएंगे, और यू नो ये ज्यादा है उनका। सो दैट वाज प्राइमरली द रीजन, सो इट वाज नॉट सरप्राइजिंग, इट वाज ह्यूज, क्योंकि सारे वो कहते हैं ना भूखे थे, दे नीडेड ट्रॉफी, आती थी ट्रिप, मतलब हमारे यहाँ भी हुआ था 92 में भी, जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे इमरान खान, तो उस वक्त भी लोग लाहौर में बाहर निकले थे। 2009 मुझे याद नहीं, जब यूनुस खान जीत के आया तो हमको लिफ्ट नहीं कराई थी, हाँ वही वाले हमारे लिए शायद कोई इतनी बड़ी उसमें नहीं थी। अच्छा फिर हमने देखा एशेज, मेरा ख्याल 2005 थे जब इंग्लैंड जीत के गया था, और पूरा वहाँ पे भी लोग बहुत बड़े थे, साइमन जोन्स ने जिताई थी, 2005 की वो सीरीज, केविन पीटरसन और साइमन जोन्स, मेरा का फ्लिंट ऑफ वगैरह, ये सारे उस वक्त के हीरोज थे सारे। सो वो जो जीत गए थे इंग्लैंड में लंदन में, उस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग वो निकले थे। सो लोगों को वहाँ भी, आज आप अभी कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया में हमने नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया में निकला, इंग्लैंड में फुटबॉल देख लेना, वो डिफरेंट है, वो 1967 से शुरू हुए, इट्स कमिंग होम, आज तक होम नहीं पहुंचे, और हम देखें जब हारते हैं तो क्या हाल होता है सड़कों पे। अच्छा ऑस्ट्रेलिया का हम कह सकते हैं सर कि गेम ऑफ क्रिकेट जो, मुझे याद है डॉक्टर जफर ताऊ साहब, हम उसका जिक्र किए बगैर रह नहीं सकते, आप और मैं, अल्लाह ने गरी के रहे हैं सर, क्या बंदा था जो मैं बार बार कहता हूँ, लेजेंड, वो कहता है अगर आप गेम की इज्जत नहीं करते तो गेम भी आपकी इज्जत नहीं करती। लास्ट टाइम हमने देखा वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इंडिया में, और जिस तरह उनके प्लेयर्स ने मार्च ने पैर रखे ऊपर पाँव रखा हुआ, तो इस क्रिकेट के ने कहा कि भाई साहब यू डोंट डिजर्व अस, अगर आपका ये रवैया है, ये एटीट्यूड है, उसके मुकाबले में हमने इंडियंस को देखा कितनी एक एक प्लेयर ने रिस्पेक्ट दी है ट्रॉफी को और उसको इज्जत दी है। रोहित शर्मा ने तो पीछे घास खाया, अच्छा वो किया है, फिर हमने देखा कि उनको चूम रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं उसकी, जो कि होनी चाहिए थी। सो इंडिया ने इसके मुकाबले में हमने देखा ट्रॉफी को बड़ी उन्होंने इज्जत दी जो ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दिया देवर इसका। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर, अभी यहाँ पे उनके APL खत्म हुई सर कुछ अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने मुंबई इंडियंस जो थे उन्होंने रोहित शर्मा को हटा के इनको ले आए, पांडे जी को ले आए थे सारे, तो हम ये मतलब ये उसमें बैठे थे तस्वर किए थे, हमारे यहाँ तो ये कुछ हो रहा था कि टीम के प्लेयर कप्तान बदले, और लोग खुश भी नहीं थे इंडिया में जब उन्होंने रोहित शर्मा को हटाया और उनको लेकर आए, तो वो हमें टीम में उनकी इसके बावजूद यूनिटी नजर आई है, रोहित मतलब है उनका, हालांकि एटीट्यूड हमने दो तीन दो मैचेस में देखा शायद वो नए कप्तान का इतना अच्छा भी नहीं था तनकीद वजह से, बट दे प्लेड एज ए वन टीम। वहाँ पे आपने लास्ट टाइम जैसे कहा जी 5-6 कप्तान खेल रहे थे हमारी टीम में, वहाँ पे आपको कोई नजर नहीं है, हालांकि अगेन मतलब कोहली वो कप्तान रहे हैं जैसे मैंने कहा उसके पहले पांडे साहब रहे हैं या और बहुत सारे वहाँ पे प्लेयर्स हैं, ये क्या रीजन आपने देखी है कि उनके अंदर ये ग्रुपिंग नजर नहीं है? रिसेंट वाक्य है, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल ये किया है। एक तो अभी आप बोल रहे थे ना कि इफ यू डोंट रिस्पेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट विल नॉट रिस्पेक्ट यू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जब इनकी मीटिंग हुई है ये कल परसों जब भी, तो विराट कोहली ने कहा कि एरोगेंस की कोई जगह नहीं है, और मैंने रियलाइज कर लिया था कि आई हैव टू रिस्पेक्ट क्रिकेट इन द सिचुएशन। वाह, वो डॉक्टर साहब वाली बात है, देखें बहुत पहले के रिस्पेक्ट तक है, उसने री एम्फसाइज कर दिया। अब आते हैं आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, एक तो भाई उनका स्ट्रक्चर्ड बोर्ड है, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहाँ पर रिलेटिव इनसिक्योरिटीज नहीं है, वहाँ पे अगर इवन लोअर लेवल पे 38 एसोसिएशन के अपने कॉन्स्टिट्यूशन हैं और अपने मैंडेट्स हैं, और वहाँ पे प्रमोशन से आते हैं, यानी कि जो अच्छा करेगा अपनी एसोसिएशन में वो BCCI में प्रमोट होके आएगा, उनका एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना पाथवे है। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा नेशनलिज्म है, तीसरा क्या था कॉमन गोल, ये तीन चीज़ें होंगी, चौथा जो इंडिया से नहीं भी खेलता उसका पेट भरा हुआ है क्योंकि वो इंडियन प्रीमियर लीग खेलता है जितना मर्जी यंगस्टर है। फिर उनकी प्लानिंग है, वो प्लानिंग ऐसी थी अगर आपको याद हो, बल्कि कम पता होगा लोगों को, कि 1.5 साल विराट कोहली और रोहित शर्मा इंटरनेशनल T20 नहीं खेले। अच्छा, और उसमें ये लड़के जो नए लड़के थे, ये यशवी जायसवाल और ये सांजू सैमसन और शुभमन गिल और इस तरह के जो बच्चे थे, उनको वो अपॉर्चुनिटी दी गई क्योंकि देवर आइंग फॉर द फ्यूचर। उन्होंने रियलाइज़ किया कि विराट कोहली, लोग कहने लग गए थे कि अब इररिलेवेंट हो गया T20 से, डिस्पाइट द फैक्ट के मोस्ट कंसिस्टेंट और ICC ब्लेजिंग रिकॉर्ड है T20 वर्ल्ड कप्स में, कि अब क्रिकेट इवॉल्व हो गई है और यहाँ पे अब पावर हिटिंग रन चाहिए। इवन रोहित शर्मा ने सेल्फलेस क्रिकेट शुरू की 2023 में नज़र आया, वो बड़े सारे रिकॉर्ड और माइलस्टोन्स कर सकता था, नहीं किया। तो वो चीज़ थी कि इनको उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है ना ये जाएंगे, लेकिन उन्होंने यंगस्टर्स को पूरी सपोर्ट की हुई थी और बताया। अब जैसे जिम्बाब्वे जो टीम गई है उसमें में से कोई नहीं है नयों में से, पुरानों में से, ठीक है ना, तो उनको अब इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा आज डेब्यू कर रहा है, हैं। दूसरा उन्होंने सिर्फ IPL से ये नहीं कि फलाने ने रन कर दिए,
सुदर्शन ने रन, साई सुदर्शन ने रन कर दिए, इनको खिला दो. नो, इवन जो इंडिया की टीम थी जो उधर बाहर बैठे हुए थे उनमें संजू सैमसन 168 का स्ट्राइक रेट था, यशवी जायसवाल जो कि एक मिरेकुलस इनका है बैट्समैन ओपनर है, नई जगह बनी. ठीक है, जो युवेंद्र चहल है वो हाईएस्ट विकेट टेकर इन टी20 फॉर इंडिया, बेंच पे बैठा रहा, एक मैच नहीं खेला. ये तो वही सिचुएशन बता रहे हैं जो इमरान खान साहब ने एक दफा कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर अपनी दो टीमें भेजे ना वर्ल्ड कप में तो दोनों को फाइनल होगा एक दूसरे के साथ, इतना टैलेंट था इतना उनके साथ. वो एक जमाने में ट्राई नेशन खेलते थे जो कार्लटन यूनाइटेड और बेंसन हेजेस ऑस्ट्रेलिया. अब आपने जो एक चीज ये पूछी है कि ये हार्दिक पांड्या, अब इसमें भाई दो चीजें हैं, दो फैक्टर. एक फैक्टर तो ये है कि रोहित शर्मा वो कैप्टन ऑफ इंडिया, उसको पता था, और फ्रेंचाइज क्रिकेट पे बीसीसीआई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो फ्रेंचाइजी का डिसीजन है कि उसने किसको बनाना है. दूसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसकी, अगर आप डेप्थ में जाएं, चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी आइकॉन ऑफ इंडियन क्रिकेट, जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी सीएसके की तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अप्रेंटिस बनता रविंद्र जडेजा जो एक एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑलराउंडर है तो उसको मिलेगी. नो, उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को दी. व्हाई दे वर प्रिपेयरिंग अ कैप्टन फॉर इंडिया थ्रू दैट सिस्टम जो उनका कंपेटिटिव सिस्टम. इसी तरह हार्दिक पांड्या जो है वो पहले छोड़ के गया था गुजरात टाइटंस के पास और एज कप्तान गया था. हार्दिक पांड्या टी20 का इनका कप्तान है नेक्स्ट. जब उन्होंने मुंबई इंडियंस ने इसको कप्तान बनाया तो इनका जो रोहित शर्मा, अब वो वाली बात जो आप करना चाह रहे थे जो हम चीखते रहे कि यार हमारे प्लेयर वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते, वो अपनी पर्सनल पर्सनालिटी से इवॉल्व होकर लेगेसी की तरफ जा चुका था. उसको मैटर ही नहीं करता कि हार्दिक पांड्या का बिहेवियर क्या है, उसको ये चाहिए कि मुझे एक ऑलराउंडर चाहिए जो तगड़ा ऑलराउंडर है, जो ऑलराउंडर है फॉर द बिगर स्टेज और जो परफॉर्म करेगा. अच्छा ये बताइए, ये चीज़ है, अब रोहित शर्मा के बाद कोहली साहब भी आउट, मतलब रिटायर हो जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, तो कौन सा कैप्टन आपको लगता है कि इंडिया हार्दिक पांड्या टी20 का कप्तान होगा? होगा. तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पर भारतीय टीम द्वारा वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरह भारतीय लोगों द्वारा, भारतीय पब्लिक द्वारा भारतीय टीम को रिसीव किया गया, जिस तरह उनको वेलकम किया गया, उसके बारे में आज तक पाकिस्तानी मीडिया पर चर्चा हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया उसके तारीफें करता हुआ नज़र आ रहा है. और यही नहीं, भारतीय टीम की राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के ऊपर भी बातें हो रही हैं कि भारतीय टीम की देशभक्ति, भारतीय टीम का नेशनलिज्म पूरी दुनिया के टीमों के अंदर अलग ही दिखता है. भारतीय टीम के अंदर अपने देश को जिताने का जो जोश और जज्बा था वो अलग ही दिखाई दे रहा था और इसीलिए भारतीय खिलाड़ी मैदान में जान मारते हुए नजर आए हैं. इसीलिए भारतीय खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड कप में अपने सामने वाली टीमों को बहुत कड़ी टक्कर दी है और कड़ी टक्कर देने के बाद भारतीय टीम जीतती हुई नजर आ रही है. ऐसा नहीं है कि वहां पर एंड टाइम पर जाकर भारतीय टीम ने हार मानी. इस बार भारतीय टीम कुछ सोचकर वर्ल्ड कप खेलने गई थी. इस बार भारतीय टीम अपने दिमाग में ये बिठाकर गई थी कि हमें ये वर्ल्ड कप जीतकर वापस लाना है. इसलिए भारतीय टीम एकजुट होकर खेल रही थी. इसलिए भारतीय टीम ने दुनिया में मिसाल कायम की है. भारतीय टीम ने दुनिया को अपनी तारीफें करने पर मजबूर किया है और ये चीज़ इसी से साबित होती है कि आपका हमेशा से क्रिटिसिज्म करने वाला पाकिस्तानी मीडिया आज आपकी तारीफें करने पर मजबूर. भारतीय टीम के सामने सिर्फ एक ही गोल था कि उन्होंने अपना झंडा मैदान में गाड़ना था और भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो अपने देश को पहले रखते हैं, बाकी चीज़ें उनके लिए बाद में हैं. वर्ल्ड कप के दौरान हमारी टीम हमें एकजुट होकर खेलते हुए नज़र आई, इसलिए भारतीय टीम आज ये वर्ल्ड कप उठा पाई है और इसीलिए आज हमारी टीम की तारीफें होती हुई नज़र आ रही हैं.